आज हम बनाना सीखेंगे वेज सैंडविच, और ये जो वेज सैंडविच है हम दो अलग अलग बनाएंगे। एक होगी हमारी मियो सैंडविच और दूसरी होगी हमारी बटर सैंडविच। तो फिर आइए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 4 ब्रेड स्लाइस लिए हैं दो सैंडविच के लिए, तो दो ब्रेड हम अलग कर देते हैं। पहले बनाते हैं हम एक सैंडविच। तो दो ब्रेड लिए हैं मैंने, दोनों ब्रेड के जो कॉर्नर्स हैं वो हम काट कर अलग कर देंगे चाकू की सहायता से। तो चारों कॉर्नर्स मैं काट लेता हूँ, आप देख सकते हैं मैंने काट लिए हैं। और इसे फेंकिएगा मत, इसके बनाएंगे हम ब्रेड क्रम आने वाली वीडियोस में। अब दोनों ब्रेड स्लाइस हैं, दोनों को अपने चॉपिंग बोर्ड पर इस तरीके से रख लेंगे। और ये है मेरे पास वेज मेयोनीज एगलेस। ज़रूर नहीं है कि इसी ब्रांड की आप लें, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं मेयोनीज जो बढ़िया हो। और एक स्पून एक ब्रेड स्लाइस पर डालेंगे बर्गर और फैला देंगे स्पून की सहायता से ब्रेड स्लाइस के ऊपर। तो दोनों ब्रेड स्लाइस के ऊपर इसी तरीके से हम मेयोनीज लगा देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर इसे मेयोनीज के साथ बटर भी लगा सकते हैं, ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं। और ये कुछ टमाटो स्लाइसेस हैं वो मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ, 4 टमाटर के स्लाइस मैंने रख दिए हैं। और लगाएंगे खीरा। खीरा के स्लाइस जो हैं वो काफ़ी छोटे हैं, तो ज़्यादा लगा सकते हैं आप, बड़ा साइज़ है तो कम भी लगा सकते हैं, ज़्यादा लगा सकते हैं आप अपने अनुसार। खीरा के स्लाइस पहले से मैंने काट कर रखे हुए थे, ऐसे ही मैंने टमाटर के स्लाइस भी पहले ही काट कर रखे हुए थे। और अब क्या करेंगे, इसके ऊपर डालेंगे चाट मसाला। तो मैं चाट मसाला डाल देता हूँ, आप चाहें तो मिर्ची के लिए लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं हल्का सा। ये देखिए, ये है चाट मसाला जो कि मैंने डाला है खीरा और टमाटर के ऊपर। इसके साथ ही पत्ता गोभी है बारीक कटी हुई, जूलियन कट है वो मैंने डाल दी, आप चाहें तो कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। और बंद कर देंगे दूसरे ब्रेड स्लाइस को, और आप चाहें तो ट्रायंगल शेप में या फिर इस तरीके से भी काट सकते हैं, लंबा लंबा चौकोर चौकोर स्क्वायर शेप में भी काट सकते हैं। तो यहाँ मैं ट्रायंगल शेप में काट लेता हूँ इसे। तो ये हमारी एक सैंडविच बनकर तैयार है, ग्रीन चटनी के साथ या फिर टमाटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। दो ब्रेड स्लाइस फिर से लिए हैं और उनके जो कॉर्नर्स हैं वो पहले ही मैंने काट कर अलग कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। बटर लिया है मैंने, इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरह से, बटर लगाएंगे इस तरीके से। आप चाहें तो इस पर ग्रीन चटनी और लगा सकते हैं, मैंने नहीं लगाई है, या फिर सेजवान चटनी भी लगा सकते हैं आप। दोनों ब्रेड स्लाइस पर मैंने बटर लगा दिया है, और अब लगाते हैं टमाटो स्लाइस। आप चाहें तो उबले हुए आलू के स्लाइसिस भी लगा सकते हैं इसमें, आप अनियन भी लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने खीरा भी लगा दिया, और अब चाट मसाला भी डाल देंगे हल्का सा, और मिर्ची के लिए स्पाइसी करने के लिए आप ग्रीन चिली सॉस डाल सकते हैं, रेड चिली सॉस भी लगा सकते हैं। पत्ता गोभी डाल देंगे हल्की सी, थोड़ी सी पत्ता गोभी, और बंद कर देंगे। इसके ऊपर ब्रेड स्लाइस रखेंगे, आप चाहें तो चीज़ भी डाल सकते हैं इसमें, और कट कर लेंगे वही ट्रायंगल शेप में मैंने कट कर लिया है। और अब करते हैं प्लेटिंग, चॉपिंग बोर्ड पर ही मैं इसी तरीके से रख दूंगा बस, साथ में आप ग्रीन चटनी या टमाटो सॉस भी रख सकते हैं। तो हमारे सैंडविचेस बनकर तैयार हैं, वेज मेयोनीज सैंडविच और वेज बटर सैंडविच। ये देखिए कितने बढ़िया बने हैं। वीडियो अच्छी लगती तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अनलाइक भी कर सकते हैं।